रामदास अठावले ने की पत्रकार वार्ता। भाजपा मीडिया सेंटर में आज केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिक राज्य मंत्री रामदास अठावले ने प्रेस वार्ता की। इस दौरान उन्होंने अपनी रिपब्लिक पार्टी ऑफ इंडिया से भाजपा को समर्थन देते हुए उत्तराखंड की पांचों लोकसभा सीटों पर जीत की निश्चित बताया। इस दौरान उन्होंने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की प्रशंसा करते हुए कहा है कि राज्य हित में उन्होंने कई फैसले लिए हैं। उन्होंने कहा कि जनता से किए गए वादे यूसीसी से समान न्याय की संकल्पना को मुख्यमंत्री धामी ने साकार किया है। एक ओर जहां उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जन कल्याणकारी नीतियों की प्रशंसा की, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस पर अपने अंदाज में तंज कसते हुए कहा है एनडीए अब की बार 400 पार, लेकिन कांग्रेस नहीं कर पाएगी 40 पार। देहरादून से डीसीपी न्यूज के लिए जसपाल राणा की खास रिपोर्ट। नरेंद्र मोदी जी ने 2019 में सेंट्रल हॉल में भारत के संविधान को माथा टेक कर प्रतिज्ञा की है कि संविधान का भारत में खड़ा करूंगा, भारत के हर नागरिक को न्याय देने के लिए मैं काम करता रहूंगा। और इसीलिए माननीय राहुल गांधी जी और सभी इंडिया अगाड़ी के लोग रोज बकवास करते हैं, रोज चर्चा करते हैं कि हमको लोकतंत्र बचाना है। मेरा उनको सवाल है कि भाई लोकतंत्र बचाने के लिए हम लोग हैं, आप अपनी पार्टी बचाओ, पार्टी बचाने का काम आपको करना है, हमारी पार्टी बढ़ाने का लोकतंत्र में आपको अधिकार है, लोगों के पास जाकर वोट मांगने का पूरा अधिकार है, लेकिन नरेंद्र मोदी जी को गाली देकर आपको वोट मिलने वाला नहीं है। जितनी ज्यादा ज्यादा गालियां देते रहेगी उतना जनाधार मोदी जी का बढ़ता रहेगा।